छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत का सबब बन गई है। प्रदेश के कई जिले बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में बारिश ने बुरे हाल कर दिए हैं। कई गांव पानी से घिरने के बाद टापू जैसे हालात बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में क्यों टूटकर बरस रहे हैं बादल, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। रायगढ़, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, पखांजूर, जांजगीर समेत नारायणपुर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। अब यही बारिश राहत की नहीं बल्कि आफत की बारिश बन चुकी है। रायगढ़ की ये तस्वीरें देखिए, कैसे खतरे से अनजान ये आदमी बाइक लेकर चला जा रहा था, पर अचानक गड्ढे में जाते ही मानो शख्स को बाइक समेत पानी ने अंदर खींच लिया हो। वहीं कांकेर में भी भारी बारिश से दूध नदी ने रौद्र रूप इख्तियार कर लिया है। यहां शहरवासियों को बाढ़ का डर सताने लगा है। तमाम नदी नाले उफान पर हैं। पानी पुल के ऊपर तेज रफ्तार से बह रहा है, लेकिन फिर भी लोग हैं जो जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजापुर में भारी बारिश से सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। जिले को राजधानी से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी पानी भर चुका है। यहां शिवनाथ नदी में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। पखांजूर में भी भारी बारिश का कहर जारी है। यहां तो नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 4 लोग कार समेत बह गए। जैसे तैसे चारों ने अपनी जान बचाई और उनका रेस्क्यू किया जा सका। कांकेर से एक और डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां लोगों को तेज बहाव के बीच पानी में एक शव बहता हुआ दिखाई दिया है। नारायणपुर में ब्लॉक मुख्यालय ओरछा, छोटे डोंगर समेत कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। यहां के लोग मेडिकल इमरजेंसी में भी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। सुकमा की ये तस्वीर देखिए, लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। यहां तो सुकमा शहर के अंदर तो बीजेपी कार्यालय तक में पानी भर चुका है। वहीं जांजगीर में सोन नदी में बहता तेज पानी लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। यहां भी तेज बहाव में 11 साल के बच्चे का शव मिला है। लोगों का कहना है ये बच्चा भी तेज बारिश के पानी में डूब गया होगा। यानी छत्तीसगढ़ में इलाका कोई भी हो, लोगों के लिए बारिश ही एक सबसे बड़ी मुश्किल है। जहां एक तरफ लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं कई मासूम लोग कुदरत के कहर की चपेट में आकर जान खो रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में बारिश के कहर पर कुदरत का ब्रेक लगेगा और छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।